चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारे पास बहुत सारा सामान है अपनी जीटी में लगाने के लिए। सबसे पहला आता है हमारा बीएमसी एयर फिल्टर, उसके बाद आता है हमारे एनजीके के स्पार्क प्लग्स। तो ये भी परफॉर्मेंस मोड्स है सारे, दो चीज़ें तो वही है। एंड उसके बाद क्या आती है चीज़ें, जो ये वाली हैंडल ग्रिप्स है, उसके बाद ये आती है किस कंपनी की है, बाराकुडा करके किसी कंपनी की है। मतलब मैंने इस ब्रांड के बारे में काफ़ी सुना है कि इसको बाइक्स वगैरह की ग्रिप बनाता है। तो ये यूनिवर्सल ग्रिप्स है, किसी भी बाइक पे तुम लगा सकते हो। तो ये आज बाइक पे लगाने वाली तीनों चीज़ें बाइक पे फिट होने वाली है। सबसे पहले दिखाते हैं इंस्टॉलेशन हमारे बीएमसी एयर फिल्टर, मतलब जो चीज़ें मैं घर पर कर पाऊंगा इंस्टॉल वो घर पे हो जाएगी। स्पार्क प्लग जो होंगे वो बाहर होंगे। तो बाहर चलेंगे, सबसे पहले लगाते हैं अपनी बाइक में एयर फिल्टर, स्टॉक वाला निकालते हैं एंड इसमें फिट करते हैं। तो तुम्हें सारा प्रोसेस दिखाता हूँ कि कैसे कैसे घर पे तुम अपना एयर फिल्टर चेंज कर सकते हो। तो देखो जीटी का जो एयर फिल्टर बॉक्स होता है वो इस साइड में होता है। तो सबसे पहले हमें इसे खोलने के लिए राइट साइड का पैनल खोलना पड़ेगा। तो वो चीज़ें अब कैमरे में स्विच करके तुम्हें दिखाता हूँ। वहाँ पे जाने के लिए सबसे पहले हमें ये वाला खोलना पड़ेगा जो कि खुलेगा चाबी, उसके बाद सीट निकलेगी, उसके बाद चीज़ें तुम्हें बताता हूँ कैसे कैसे करनी है। तो ये वाला पैनल कुछ इस तरह से बाहर आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे मिलती है टूल किट। टूल किट बाहर निकालो क्योंकि सारा काम जो है हमारा टूल किट से होने वाला है। टूल किट के अंदर बेसिक चीज़ है जिससे सारा काम हो जाने वाला है हमारा। तो उसके बाद ये सीट खोलेंगे यहाँ से, तो ये कुछ ऐसे बाहर आ जाएगी। एंड सीट खोलने के बाद एक यहाँ पे छोटा सा बोल्ट तुम्हें दिख रहा होगा, ये जो स्क्रू है इसे खुलने के बाद ये वाला पैनल बाहर आ जाएगा। उसे खोलने के लिए हमें चाहिए 4 नंबर की एल की, जो कि हमारी टूल किट में पहले से आती है। तो सामने खुलने के बाद कुछ इस तरह से लगता है तुम्हारा एयर फिल्टर बॉक्स। ये रहा तुम्हारे सामने जो इसके अंदर लगा भी एयर फिल्टर वो स्टॉक वाला लगा है। एंड जो इसका ऊपर वाला कवर है ये कुछ इस तरह से तुम्हारी जीटी में लगा होगा, पर मैंने ये वाला पार्ट इसका हटाया हुआ है जिससे थोड़ा ज़्यादा इंटेक हो। सस्ती स्टेज 2 मॉडिफिकेशन तुम इसको मान सकते हो, तो मैंने इसलिए सामने से हटा रखा है। एक बार तुम्हें अच्छे से बीएमसी भी दिखा देता हूँ। ये देखो ये रहा बीएमसी एयर फिल्टर का बॉक्स तुम्हारे सामने, इसको खोलते हैं। तो ये मैंने पहले से इसका पैनल खोला हुआ है। तो कुछ इस तरह से दिखता है हमारा बीएमसी एयर फिल्टर। देखो क्लोज लुक देता हूँ तुम्हें, इसका मेड इन इटली, तो इटली में बना हुआ है ये। तो ये रहा बीएमसी। अब एक बार स्टॉक वाला वहाँ से निकाल के तुम्हें दिखाता हूँ चीज़ें, दोनों में डिफरेंस क्या है और क्यों हम ये वाला लगाते हैं वो चीज़ें भी तुम्हें मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ईजी पीजी 3 स्क्रूज होते हैं, एक मेरा खोया हुआ है तो मेरे में 2 ही है, मैं 2 से इसको बाहर निकाल लूँगा। तो ये वाला पार्ट देखो बाहर आ गया। उसके बाद यहाँ पे ये तुम्हारा स्टॉक एयर फिल्टर है, इसको बाहर निकालते हैं, ऐसा हुआ है क्या? तो ये देखो ये वाला स्टॉक एयर फिल्टर है जिसके अंदर इतनी ज़्यादा धूल है कि बिल्कुल चौक हो रखा है। बहुत टाइम से मैंने चेंज नहीं किया, कम 7-8 हज़ार किलोमीटर हो गए। तो ये देखो ये डिफरेंस है, ये वाला बीएमसी एंड ये वाला जो है नॉर्मल तुम्हारा जो कंपनी से मिलता है, ये 450-450 रुपये का तुम्हें मिल जाता है अगर तुम किसी भी रॉयल एनफील्ड से जाके लोगे, कहीं बाहर से भी लोगे। एंड इसका प्राइस जो है तुम्हें वो पता चलेगा वीडियो के एंड में, तो मेक श्योर तुम वीडियो एंड तक जरूर देखो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी बहुत सारी इसकी भी मॉडिफिकेशन अपनी जीटी में आने वाली है। इसका जो टैंक का कलर है वो भी हम पूरा चेंज कराने वाले हैं। एक चीज़ मुझे सजेस्ट करो कि इसका टैंक जो है पेंट कराया जाए या रैप कराया जाए, वो चीज़ हम देखेंगे। तो मेन बेसिक डिफरेंस अब आते हैं कि एयर फिल्टर में होता क्या है। तो बेसिक सबसे पहले ये जो हमारा कंपनी वाला एयर फिल्टर आता है ये होता है पेपर बेस्ड, ये पेपर बेस्ड एयर फिल्टर होता है। इसका जो इनटेक होता है, मतलब देखो यहाँ पे सीन क्या होता है, यहाँ से हवा अंदर जाती है, जो पिस्टन्स होते हैं उसमें हवा जाती है और फ्यूल जाता है साथ में। तो जितना ज़्यादा हवा जाएगी उतना ज़्यादा वहाँ फ्यूल अच्छे से बर्न हो पाएगा, ठीक है, ऐसा वाला सीन होता है। ये जो एयर फिल्टर होता है ये ठीक है अंदर एयर देता है, पर ये पेपर बेस्ड है तो इतने अच्छे से हवा अंदर नहीं जा पाती है, इनटेक नहीं कर पाते हैं। और पेपर बेस्ड एयर फिल्टर जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं, मतलब तुम्हें पता है ये हर सर्विस में 5-6 हज़ार किलोमीटर पे चेंज होता ही होता है। तो फिर बात आती है इनकी, हम आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर क्यों डालते हैं, कि इससे 10 गुना महंगा एयर फिल्टर ये कहीं ना कहीं है, ये हम क्यों डालते हैं? तो बेसिकली ये इसलिए डालते हैं क्योंकि ये होता है कॉटन बेस्ड एयर फिल्टर। इसके अंदर क्या होता है, इनटेक अच्छी होती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी इनटेक होती है, मतलब तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको बार बार क्लीन करने की, जल्दी क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको तुम क्लीन नहीं कर सकते, ये रीयूजेबल नहीं है, इसको तुम्हें फेंकना ही पड़ेगा। इसका ऐसा सीन है कि तुम धो, बाद में इसमें दोबारा ऑयलिंग करो और तुम इसे दोबारा यूज़ कर सकते हो, और इससे इनटेक बाइक का अच्छा हो जाता है। एक चीज़ देखो, बाइक में एक होती है एयर टू फ्यूल रेशो, ठीक है, जब एयर थोड़ी ज़्यादा जाएगी, अभी जब इसको लगाएंगे तो इनटेक थोड़ी बाइक की ज़्यादा हो जाएगी, तो फ्यूल अच्छे से बर्न होगा।
चीज़ें इस हिसाब से होती है कि जब अच्छे से अंदर एयर जाएगी और फ्यूल भी मतलब थोड़ा ज़्यादा जाएगा उस हिसाब से, क्योंकि ECU ये फ्यूल इंजेक्टेड बाइक है तो ECU थोड़ा बहुत एडजस्ट करेगा, उस हिसाब से फ्यूल भी थोड़ा ज़्यादा जाएगा तो कंबशन अच्छा होगा अंदर, बाइक का पिकअप बढ़ेगा, आवाज़ थोड़ी अच्छी हो जाएगी एंड जहाँ तक है मेरे हिसाब से माइलेज भी बढ़ता है ये वाला एयर फिल्टर डालने के बाद। और ये कॉटन बेस्ड है, तुम इसको टाइम टू टाइम साफ कर सकते हो और ये लाइफ टाइम चलेगा, मतलब 1,00,000 किलोमीटर से ज़्यादा की वारंटी इसकी देता है BMC, इसलिए हम आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर डालते हैं। हर बाइक में डल जाता है, मतलब हर बाइक का अलग अलग आता है, ज़्यादातर जो लोग हैं परफॉर्मेंस मोड जो अपनी बाइक में करते हैं वो ज़रूर से एयर फिल्टर डालते ही डालते हैं, और ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। मेरे से बहुत लोगों ने पूछा था कि जब भी हम रेडोस्टर लगा रहे हैं तो एयर फिल्टर डालना ज़रूरी है कि नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे कैटालिटिक कन्वर्टर अभी भी छोटा वाला है इसका, तो ज़रूरी नहीं है तुम एयर फिल्टर साथ में डालो। अगर तुम फुल सिस्टम कर रहे हो, ये पेन पाइप भी चेंज कर रहे हो, तो हाँ आई वुड सजेस्ट कि तुम साथ में एयर फिल्टर डाल सकते हो, वैसे ज़रूरी नहीं है। मैं बहुत टाइम से मतलब ये देखो बाइक मेरी 20,000 किलोमीटर चल चुकी है, तब तक मैंने अभी एयर फिल्टर नहीं डाला था, आज मैं एयर फिल्टर डाल रहा हूँ अपनी बाइक में। रिड्यूसर काफ़ी टाइम से लगे हैं, सुना है आवाज़ तेज़ हो जाती है, थोड़ी बेसी हो जाती है, एग्जॉस्ट नोट थोड़ी अच्छी हो जाती है बाइक की, एंड इनिशियल जो होती है जो RPM होती है जल्दी हिट करती है, मतलब समझ रहे हो तुम, तो ऐसे वाला सीन होता है इसके साथ। तो चलो इसका फिटमेंट कुछ नहीं है, 3 बोल्ट खोले वहाँ से वो खोला, चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी है, इसको उठा के बस तुम्हें ऐसे इसके अंदर रखना है, फिट कुछ नहीं करना है, बहुत इजी, कोई ज़्यादा सीन नहीं है इसमें कि तुम्हें बाहर मैकेनिक पे जाना है, ये सब चीज़ें कोई सीन नहीं है, सीधा एयर फिल्टर ऐसे लगाना है। तो चलो अब इसको बंद कर देते हैं और फिर तुम बाइक एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि कितनी ज़्यादा लाउड होगी, ये कुछ हुआ है नहीं हुआ है। देखो वीडियोज़ में इतना फ़र्क नहीं पता चलता, वीडियो में तो एग्जॉस्ट नोट भी जो क्लियर होती है रेडोस्टर की वो सुनाई नहीं देगी, इन पर्सन चीज़ें फील कर सकते हैं, पर जो मुझे फील होगा ऑनेस्ट मैं तुम्हें वो रिव्यू दूंगा, थोड़ा सा मोटो ब्लॉग भी करेंगे, इसको लेके जाएंगे मैकेनिक के पास जहाँ पे हम इसमें डलवाने वाले हैं, ये इरिडियम स्पार्क प्लग्स एंड जो ये वाली ग्रिप है, स्पार्क प्लग्स का भी तुम्हें सीन बताऊंगा हम क्यों डालते हैं, आफ्टर मार्केट जो होते हैं परफॉर्मेंस वाले इरिडियम क्यों डालते हैं इसमें। और हमेशा एयर फिल्टर लगाने के बाद 1 मिनट आइडल होने दो बाइक को, उसके बाद तुम आगे देखना, क्योंकि ECU उस हिसाब से रीमैप कर लेता है, ये थोड़ा एयर फ्लो बढ़ गया है तो वो कंबशन उस हिसाब से करता है, मतलब शायद ऐसा होता है, नॉट श्योर कि ऐसा होता है कि नहीं, पर हाँ कर लेते हैं क्या जा रहा है, 1 मिनट आइडल छोड़ देते हैं बाइक को। बाकी अगर तुम्हें कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, कुछ भी चीज़ तुम्हें खरीदनी है तो वो मैं बता देता हूँ कहाँ से लेनी है, नीचे ID आ रही मोटोवर्ल्ड अहमदाबाद, कोई भी चीज़ तुम्हें चाहिए बहुत अच्छे प्राइस पर उनके पास मिल जाएगी, GT से रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए तुम्हें उनके पास मिल जाएगी, स्पार्क प्लग मैंने वहीं से मंगाया है एंड BMC एयर फिल्टर वहीं से मंगाया है, ये ग्रिप्स भी स्पेशली उन्होंने भेजी है मेरे लिए, तो ये ग्रिप्स भी लगा के देखें। GT का कोई भी XYZ कोई भी पार्ट तुम्हें चाहिए, कोई भी चीज़ तुम्हें चाहिए, रॉयल एनफील्ड छोड़ के मोटोवर्ल्ड अहमदाबाद पे पूछो, चीज़ें इतनी जेन्युइन मिलेगी, रेट वहाँ पे अच्छे मिलेंगे, जेन्युइन रॉयल एनफील्ड के पार्ट्स मिलते हैं एंड आफ्टर मार्केट पार्ट्स भी सारे वहाँ पे मिलते हैं, जो तुम्हारा एग्जॉस्ट हो गया कोई भी एग्जॉस्ट सब चीज़ ले लो, सब वहाँ पे मिल जाता है। अब एक बार बाइक को ना हल्का सा रेव करके देखते हैं। ओके, ज़्यादा रेव नहीं करते क्योंकि अभी घर के अंदर है और भी लोग हैं घर में, सब उठ जाएंगे, गालियाँ पड़ेगी फालतू में, तो बाहर चलते हैं, अभी बाइक को लेके चलते हैं बाहर, एक बार इसको सारा बंद कर देते हैं घर पे, वो तो कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, उसके बाद बाहर चलते हैं, स्पार्क प्लग्स अपने जो है वो फिट करवाते हैं बाइक में, उसके बाद देखते हैं क्या चीज़ें सही होती है, और चलते चलते तुम्हें बताता हूँ कि स्पार्क प्लग्स क्यों ज़रूरी है, हम क्यों चेंज कर रहे हैं। मोबाइल नंबर तुम्हारे स्क्रीन पर आ रहा है, स्क्रीनशॉट लेके भैया को व्हाट्सअप कर सकते हो, नीचे इंस्टा इनका आ रहा है यहाँ पे, तो इनको DM कर सकते हो किसी भी GT के प्रोडक्ट के लिए, कोई भी GT या कोई भी और बाइक हो तुम्हारे पास, टायर्स हो गए, हेलमेट्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें, एक बार जाओ इनका इंस्टा चेकआउट करो, चीज़ें तुम्हें वहाँ पर सारी क्लियर हो जाएंगी। हेयर वी आर, अब हम जा रहे हैं इसमें NGK के स्पार्क प्लग्स लगाने, तो उसके साथ में एक और चीज़ तुम्हें बताता हूँ, कोई बंदे क्या करते हैं, यहाँ पर स्पार्क प्लग्स होते हैं, ये वाली जो वायर होती है ये भी उनके साथ में आती है, तो पूरी किट आती है, पर शायद उसकी ज़रूरत नहीं है, अभी खाली स्पार्क प्लग्स डलवा रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि 20-21,000 किलोमीटर हो गए जो स्टॉक वाले होते हैं, मेरे हिसाब से खाली इतने ही चलते हैं मैंने जहाँ तक सुना है, तो एयर फिल्टर डल चुका, एक बार आवाज़ सुन लो एयर फिल्टर डलने के बाद, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो अभी आइडल आ गई है 1,500 RPM, इसको एक बार रेव करके देखते हैं, आवाज़ सुन लो रेड रूस्टर्स के साथ। ओके, थोड़ी बेस ज़्यादा बढ़ गई है एंड आवाज़ थोड़ी ज़्यादा लाउड हो गई है, अब चला के देखते हैं चला के क्या फील है बाइक का, थोड़ा सा आगे मिलते हैं। थ्रॉटल रेस्पॉन्स बहुत ज़्यादा क्विक हो गया है, बहुत ज़्यादा क्विक, मतलब RPM एकदम बहुत जल्दी हिट कर रही है, वैसा लग रहा है कि फ्री चल रही है बाइक, मतलब उससे पहले क्या फील हो रहा था कि बहुत ज़्यादा दब रही है बाइक, सही से ब्रीथ नहीं कर पा रही है, पर
अभी क्या हो रहा है कि बाइक एकदम फ्री फ्री चल रही है ब्रदर, मज़ा आ रहा है। नाइस नाइस नाइस, अच्छा वर्थ इन्वेस्टमेंट है एकदम एयर फिल्टर्स में डालना, जो आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर होते हैं। अगर तुम्हें भी खरीदना है, नीचे आईडिया आ रही है, नंबर आ रहा है कॉन्टैक्ट नंबर, भैया अगर जाओ उनको डीएम करो, मतलब वेबसाइट से ऑनलाइन से काफ़ी अच्छे तुम्हें प्राइस मिल जाएंगे यहाँ पे इनके पास। वॉच करो इसकी आरपीएम कितना जल्दी हिट कर रही है, मतलब बहुत ज़्यादा क्विक हो गई है बाइक अब। आई कैन फील द पावर एंड लाउडनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लाउडनेस एंड बेसीनेस बाइक में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो गाइस चलो अब चलते हैं इसमें एनजीके के स्पार्क प्लग्स डलवाने। तो उनका सीन मैं तुम्हें बताता हूँ वो मैं क्यों डलवा रहा हूँ। स्पार्क प्लग क्या है तुम्हें पता चल रहा होगा क्या होता है स्पार्क। स्पार्क जो है इंजन को जो एक स्पार्क देता है वो स्पार्क प्लग्स होते हैं, ठीक है। जो पिस्टन्स होते हैं हमारे उनको स्पार्क देते हैं वो। तो हमारा जो भी इसमें जीटी में स्टॉक आता है कंपनी फिटेड, मेरे हिसाब से जितना मैंने अभी तक गूगल पे यूट्यूब पे देखा है तो वो कॉपर मेटल का आता है, ठीक है। तो कॉपर का क्या होता है, इतना अच्छा स्पार्क प्रोड्यूस नहीं करता है, कि करता तो है कि इंजन को चला दे, अच्छे से चला दे, स्मूथली रन कर ले, पर जो हाई परफॉर्मेंस चीज़ें हम बोलते हैं ना वो क्यों बोलते हैं उनको, वो इसीलिए बोलते हैं कि जितनी इंजन की कैपेबिलिटी है वो पूरी खोल सके उसको। तो इस तरह से देखा जाए इरिडियम के स्पार्क प्लग्स होते हैं, उनके अंदर सीन क्या होता है, वो उनका जो मेटल होता है वो इरिडियम होता है। तो एक अभी तुम्हारे सामने क्लिप चल रही होगी, जो ये वाली आगे वाली टिप होती है ना छोटे वाली, ये वाली इरिडियम होती है, तो स्पार्क थोड़ा ज़्यादा क्रिएट करती है, बड़ा क्रिएट करती है, एंड मतलब एक कंटिन्यूटी में करती है। वो वाला कभी कभी स्पार्क छोड़ देता है, ऐसा कुछ होता है सीन उसके साथ, कभी कभी बाइक तुम्हारी मिस करने लगती है। कभी कभी वॉशिंग के बाद जब बाइक मिस करती है तो ज़्यादातर यही होता है कि स्पार्क प्लग में पानी चला जाता है, तो ऐसा वाला सीन होता है। पर ये वाले जब डाल लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा बाइक का, कंबशन अच्छे से होगा, स्पार्क ज़्यादा आएगा। तो एक चीज़ देखो, ध्यान दो, हमने जो हमारा पिस्टन होता है, एक तुम्हारे सामने क्लिप चल रही होगी, मैं यूट्यूब से ढूंढ के डालूंगा, तो जब पिस्टन चल रहा होता है तो वहाँ पे दो चीज़ें आती है, एक हवा आती है, एक स्पार्क आता है। तो हवा के लिए हमने एयर फिल्टर डाल दिया है कि हवा अब अच्छे से आए, और स्पार्क के लिए हमने एनजीके डाल दिया कि स्पार्क भी अच्छे से हो। तो बाइक का तुम सोच सकते हो परफॉर्मेंस कहाँ चला जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा मेरे हिसाब से। अभी मुझे इतना ज़्यादा फील हो रहा है एयर फिल्टर डालने के बाद, कितनी फ्री और स्मूथ चल रही है ना बाइक, जबकि अभी बाइक की सर्विस ड्यू है, जल्दी अब सर्विस भी कराने वाले हैं अपनी बाइक की। एंड जहाँ पे मैं चेंज कराने जा रहा हूँ वो घर से पास ही है, तो मैंने ज़्यादा ग्लव्स वगैरह गियर्स वगैरह नहीं पहने हैं, और अभी हमें इसकी ग्रिप भी चेंज करानी है। ऐसा कोई प्लान नहीं था ग्रिप चेंज कराने का, बस करा लेते क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी लग रही है, लुक्स वगैरह उसकी ज़्यादा अच्छी है एंड थोड़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है। लेट्स गो, मिलते हैं सीधा तुम्हें शॉप पे। चीज़ देखो, ये वाला स्पार्क प्लग जो स्टॉक आता है उसके अंदर, इसकी टिप देखो कैसी है, और ये बराबर मेरे हाथ में एनजी के है, तो इसकी टिप देखो सामने से कैसी है। तो यही फ़र्क होता है दोनों में। अब ये वाले एनजीके वाले इसमें लगा देते हैं, फिर देखते हैं कैसा परफॉर्म कर रही है भाई। तो स्पार्क प्लग डाल के एक बार स्टार्ट करके देखते हैं क्या सीन है। अगर इस कुछ इस तरह से ये वाली ग्रिप लग रही है, देखो मतलब लगा दिए, अब देखेंगे कैसा ग्रिप। तो वैसे फील अच्छी हो रही है, पर इसकी थोड़ी शेप चेंज हो गई है क्योंकि ये ना ऊपर चढ़ी है दूसरे वाले उसके, तो देखते हैं शायद थोड़े दिनों में ना रबड़ है उस हिसाब से शेप ले ले और ये सही हो जाए। बाकी इधर भी लग गई है, उधर भी लग गई है, वैसे लुक वाइज देखा जाए तो काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। नॉइस, तो चलो अब चलते हैं, मिलते हैं सीधा तुम्हें मोटर ब्लॉक पे, बाकी बातें करते हैं वहाँ पे। तो गाइस देखो कितनी साफ़ वैसे लग रही है हमारी, बाकी ये ग्रिप्स लग गई है यहाँ पे जो ये जगह है तुम्हें, इतने में तो हमारा बार एंड आ जाएगा, बाकी इस जगह को ट्राई करेंगे हम किसी तरह छुपा सके, देखते हैं, वरना दोबारा स्टॉक वाले पर स्विच करेंगे, क्योंकि मुझे खाली जगह ना ये छोटी छोटी जो डिटेल होती है बाइक पर ये ज़्यादा अच्छी लगती है। पर अगर वैसे देखा जाए ग्रिप्स बहुत प्यारी हो गई है, मतलब फील बहुत अच्छी है इनकी। तो चलो स्पार्क प्लग के बाद एक बार चला के देखते भगा के कैसी चल रही है। फॉग ब्रो, फॉग ब्रो, फॉग 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 फॉग, ये कुछ क्रेजी था, ये कुछ ज़्यादा क्रेजी था, मतलब इनिशियल इतना ज़्यादा बड़ा हुआ लग रहा है ना, मतलब भाग नहीं रही है, उड़ रही है लिटरली, कोई पावर लैग नहीं।
चीज़ तो मैं दिखाता हूँ उसकी पावर। जहाँ भी थ्रॉटल दे रहे हो क्विक रेस्पॉन्स एकदम क्विक। एक चीज बताऊ, मोस्ट रिकमेंडेड मोड अपनी जीटी में, मतलब तुम्हें मोस्ट रिकमेंडेड। और देखो वोबल भी बिल्कुल खत्म हो गया मेरी बाइक का, क्योंकि नए टायर डल गए। सारी दिक्कत जो थी टायर्स की वजह से थी, पिछली वीडियो में तुम्हें बता नहीं पाया क्योंकि रिव्यू अच्छे से हो नहीं पाया था टायर्स का। बाकी देखा जाए चीज़ें मैंने एक एक करके क्या क्या मोड अपनी जीटी में करा दिया। ये वाला निसिन मास्टर सिलेंडर वर्थ इट, मतलब मैं इसके लिए 10,000 देने के लिए तैयार हूँ, इतना वर्थ इट मोड है निसिन का मास्टर सिलेंडर। तुम्हें चाहिए तो डीएम करो मेरे को, तुम्हें मिल जाएगा निसिन वाला, मैं ही शिप करा दूंगा, सब चीज़ें करा दूंगा। एंड बाकी और क्या क्या चीज़ें मैंने इसमें कराई एक एक करके, जो एयर फिल्टर डाला है एंड जो स्पार्क प्लग डाले, ये देखो जहाँ पे थ्रॉटल दे रहे हो इंस्टेंट पावर। वरना जीटी शुरू में थोड़ा सा लैग करती है फिर पावर डिलीवरी देती है, पर जो ये है ना स्पार्क प्लग और एयर फिल्टर डालने के बाद चीज़ें बहुत चेंज हो गई है, बहुत ज़्यादा चेंज। एंड चीज़ें जो है एयर फिल्टर मैं रिकमेंड करता हूँ यार कोई भी बाइक को, खाली जीटी के लिए नहीं, 350 से लेके ऊपर बड़ी जितनी भी बाइक है सब मैं रिकमेंड करता हूँ एयर फिल्टर डाल के देखो, तुम्हें चीज़ें फील होने वाली कि हाँ तुम्हारी बाइक कितना अलग चल रही है, कितना अलग ब्रीथ कर रही है। एक चीज़ मैं लोगों से हमेशा बोलता हूँ कि बाइक को ना बाइक की तरह मत चलाओ। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। कुछ भी डाउट्स हो नीचे मेरा इंस्टा आ रहा है, इंस्टा पे फॉलो नहीं है तो फॉलो कर लो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। टाटा, टेक केयर।